एक समय का सबसे बेस्ट क्राइम शो सीआईडी में सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत सावंत के डेसिंग और रिस्पॉन्सिबल किरदार में हमें अभिनेता आदित्य श्रीवास्तव नजर आए थे, जिन्होंने पूरे 13 साल तक इस शो में 4 चांद लगाकर ही छोड़े थे। लेकिन दोस्तों, आप अभिजीत सावंत के बारे में तो सब कुछ जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं बीते इन सालों में आज अभिजीत कहाँ हैं, क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं? शायद ही जानते होंगे, इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि सीआईडी में नजर आए अभिनेता आज साल 2023 में कहाँ हैं, क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं, पर उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूले। सीआईडी में दमदार इंस्पेक्टर अभिजीत सावंत का किरदार निभाने वाले अभिनेता आदित्य श्रीवास्तव का जन्म 21 जुलाई 1968 को यूपी प्रयागराज में हुआ था और यही से इन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की है। लेकिन अगर बात करें इनके अभिनय करियर के बारे में तो हम बता दें, कॉलेज के दौरान ही ये कॉलेज के नाट्य कार्यक्रम में भाग लिया करते थे, जिसके चलते एक्टिंग को अपना पेशा बनाने के लिए ये साल 1994 में मुंबई आ पहुंचे, जहां इन्हें हिंदी सिनेमा में एक्टिंग करने का मौका बैंडिट क्वीन मूवी से मिला। इस फिल्म में इन्होंने पुत्तीलाल की भूमिका निभाई, जिसके बाद इन्होंने कई टीवी कमर्शियल और बतौर वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर काम किया। फिर ये टीवी शोज आहट जैसे शोज में भी नजर आए, लेकिन साल 1999 में सोनी टीवी के शो सीआईडी में काम करने का मौका मिला और इस सीरियल ने इन्हें घर घर में सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत से लोकप्रियता दिला दी। लेकिन अगर बात करें इनके बदले हुए रूप की तो आपको बता दें, सीरियल में अभिजीत का रोल निभाते हुए आदित्य श्रीवास्तव पैंट शर्ट पहने फॉर्मल ड्रेस में नजर आते थे, जहां ये काफी पतले दुबले भी थे और इनका हेयर स्टाइल भी काफी सिंपल सा था। तो वहीं आज साल 2023 में अपने 59 साल की उम्र कम्प्लीट कर चुके हैं और पहले से काफी उम्र दराज नजर आते हैं। पर आपको बता दें कि इनकी फिलहाल की तो कोई तस्वीर देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ये लाइमलाइट में फिलहाल ज्यादा नहीं रहते, लेकिन कुछ समय पहले ही इनकी तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि ये कितना बदल चुके हैं, जो पहले से थोड़े हेल्दी भी नजर आते हैं और पैंट शर्ट से लेकर टी शर्ट जैसी ड्रेसेस कैरी करते हैं। इसी के साथ आपको बता दें, फिलहाल तो ये एक्टिंग करियर से दूर है, जिन्हें आखिरी बार साल 2022 में आई फिल्म भीड़ में देखा गया था। लेकिन अगर बात करें इनकी मैरिड लाइफ के बारे में तो हम बता दें, इन्होंने एक सीधी साधी लड़की मानसी से शादी की थी, जिनसे इन्हें एक बेटा और एक बेटी भी है। तो दोस्तों, आपको आदित्य श्रीवास्तव के आज के हालातों से रूबरू होकर कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।